पे हमारी 10वीं कक्षा के छात्र आज आपके सामने चुनाव के उपलक्ष्य पे एक रोमांचक दृश्य पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आप ये जानेंगे कि वोटों की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। दिखो लोगो, आइए चुनाव, पहले तुसे वोट देने जाना, फिर बादला पछताना। वोटें दी कीमत उन्हें चेता आई, जिंदा काट पानी देना बिजली आई। ये कहानी है दो गांव की, जिसमें एक गांव में चुनाव को अहमियत दी जाती है और एक गांव में चुनाव को अहमियत नहीं दी जाती है। तो आइए हम उस गांव की ओर जाते हैं जिसमें चुनाव को अहमियत नहीं दी जाती है। ਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਆ ਤੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਉਹ ਕੋਸ ਕੱਟਨੇ ਤੂੰ ਕੱਟੂਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ 10 ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਟੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਭੀੜ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਅੱਦੀ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਣੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜੈਲੂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੱਖ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਜੀ ਤੇ ਜੈਲੂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਚੱਲਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲੱਖ ਭੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਵਿੱਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚੱਲ ਰ ਭਾਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੋਲੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦਿਖਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸੇ ਪਈ ਮੰਟੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਵਿੱਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਚੱਲ ਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਗਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਵੱਡਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪਵਾਨੀ ਵੱਡਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਵਾਨੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਗਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ ਰੱਖਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਚਲੋ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਅਕਵਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਕਾਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਪੇਦਾ ਬਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਾਡੀ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੱਡਨੇ ਹੀ ਦੂੰਗੇ ਪਵਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਰੇਸ਼ ਵੱਡਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਵਾਨੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਰਨੇ ਗਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਤੇਰਾ ਰਹੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜੱਤੀ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਕੀ ਚੱਲ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਦੇ ਰੋਏ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇਈ ਜੰਨੇ ਆ ਨਾ 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 ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਲ ਸੂਟ ਪਾਈਓ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਹੀ ਬੜਾ ਖਾਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਔਰ ਤੋ ਦੋਨੇ ਲਾਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਕਲੇ ਵੋਟ ਦਈਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੋਟੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਅਮੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਂ ਜਾਇਓ जैसे कि आप लोगों ने देखा इस गांव के लोगों के लिए इनके काम ज्यादा जरूरी है, इनके लिए वोट बिल्कुल भी अहम नहीं है। तो आइए अब उस गांव की ओर जाते हैं जिसमें वोटों को अहमियत दी जाती है। दादाजी तो कहाँ जा रहे हैं? वोट पाने जाना कुड़िए। लेकिन दादाजी तो अस्सी बीमार से हैं। वोट पाना भी जरूरी है। हाँ दादाजी वोट पाना भी जरूरी है, तो वोट पाने जरूर जाओ दे अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ठीक है अपने माऊ बब्बे भी आके वोट पाने आए। ठीक है दादाजी। मम्मी डैडी तुस घर आई है? ना ना ही प्यार के लबदा नहीं आई दे ओदे मिकी भी लबदा मैं पुछुड़िया तुसे बड़े नहीं है पालन तू की क्या तस खा तू बड़े ने बाल लड़ानी हुंदी मम्मी मैं नहीं लड़ाई जान एक तम ने पूरे लाख पीड़ होई गुजारा को मैं पूरे सामान में ये चुकदा इने चुकदा था नहीं हा केश भी अच्छा तो सामान चुकदा हा सारा सामान मैं तो की कार चुकी पे हा सारा सामान में ये चुकदा तू लड़ाई बात करे दादाजी आकर दे वोट पाने आए वोट पाने तो जाना क्या है तू पूरा कर आ ध्यान रखा कोई चोरी वारी नहीं होया ठीक है निक्की कुड़िया रोटी बनाई छुड़ी उसी खिलाओड़े रोटी ठीक है मम्मी जी और रोटी भी खिलाओगे ने घर आके ध्यान रखनी ठीक है बच्चा हंस गए वोट पाने ठीक है वोट देने चले यारो तेरे दिमाग ठीक है आज साढ़े ब्याह से वोट पाने जाना वोट देने भी तो जरूरी जाना नहीं जाना मैं खुड़े में वोट देने जाना तो तुसे लेके भी जाना ब्याह जिंदगी चिक्के मार होता इलेक्शन अंदर अंदर हो वोट भी तो 5 साल बाद हमने वोट नहीं देंगे तो सारी सरकार की बननी अगली बार नहीं उनने जाना साढ़े एक एक वोट करने के होना इन चीजा बनिया वोट देगी हमारे और किस बनिया चल तेरी गल सही है पहले वोट देने फिर ब्याह करना हां चल।
जैसे कि आप लोगों ने देखा तो इनके लिए चुनाव कितने अहम है। इन्होंने अपने जरूरी काम छोड़ के चुनाव को अहमियत दी, तो इनके सामने आज एक अच्छा नेता उभर कर सामने आया है। तो आइए देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज थोड़े सात कन्या गाँव एडे बड़े मुकाम पर पुज रही है। उन थोड़ी यार एक मांग है वो पूरी होनी है। ये तो सारे की पता सारे ग्रांच पहले दी है तरक्की है। यहाँ क्या टाइम बिजली होती है, रोज पानी होता, स्कूल न बड़े ज्यादा, अस्पताल डिस्पेंसरियां जगह जिसे कोई दुख तकलीफ जाए वो नहीं हुआ है। और चाची थोड़ी पेंशन होगा दी रोज, और कोई दुख तकलीफ तो नहीं है तुझे, और थोड़े स्कूल बच्चे जा दी रोज भी ठीक है, बिजली आती नहीं रोज कोई नहीं, लेकिन बच्चे कुछ कमी रही है और उसी पूरी पूरी करने पूरी कोशिश करगा। मैं थोड़ा एक भी धन्यवाद करना कि तुझे किस लायक समझा। धन्यवाद विशांबर प्रसाद जिंदाबाद, विशांबर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैसे कि आपने देखा इस गांव के लोगों ने नेता चुना और आज इनकी हर मांग पूरी की जा रही है। तो आइए अब उस गांव की ओर जाते हैं, आज उनकी हालात देखते हैं जिस गांव के लोगों ने चुनाव को अहम नहीं समझा था। किन्ने खड्डे ने रोड बिच, जदों में जन्म लेता ये रोड इन्हें रहा, बाकी सारे ग्रां की तरक्की हुई पर अपने ग्रां की कोई तरक्की नहीं हुई है। तरक्की होनी भी इन्या जलू बोर्ड देने बारी आंदी तां तेरी कुड़िया ब्याह ही उड़ी जांदा। ओ भरावा जलू तेरे घर ब्याह होगा पी दिखलाया। आऊं मनना ब्याह भी जरूरी होंदा, आऊं वोट देना भी जरूरी होंदा। ओ भरावा मेरे एक वोट गशा के होई जा ना, अगर सारे लोग एक एक वोट देंगे तो साड़ा कोई नेता बनना ते इस ग्रां की तरक्की होनी। ओ भरावा तेरी गल सही है, चल अगली बार दिखने आ। उन्हें इयै उम्मीद करनी थोड़े कशा कि तुस अगली बारी वोट देने जागे।
गल दे सही आखा दी है, गल तेरी पूरी सही है। उन्हें वचन लैनी आऊं एक भी इलेक्शन नहीं छुड़गी, हर इलेक्शन च वोट देने जागी चाहे सूट जिन्ना मर्जी खराब हो जा। अभी आज वचन लैनी मेरे जिन्नी भी लाख पीड़ होगी आऊं वोट देने जरूर जागी। अम्मी वचन लैनी की अज को बाद चुगला नहीं करगी और हर एक इलेक्शन च वोट देने जागी। अम्मी वचन लैनी जिन्ना मर्जी ब्याह होगा मैं वोट देने जागी। अम्मी वचन लैना की आऊं वोट देने आगा।